हेलो स्टूडेंट्स, आज से इंग्लिश बाय पाठक सर चैनल पर आपके लिए यूपी बोर्ड 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इंटरमीडिएट की फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी और आपके बोर्ड 2025 को ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा और ये आपका पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड है, यूपी बोर्ड का है। तो जो भी बच्चे यूपी बोर्ड से फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, जिनकी फिजिक्स वीक है या फिजिक्स में कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप अगर यूपी बोर्ड से हैं और आप फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो आपको हर जगह आगे ये काम में आएगा। जैसे आपको आईआईटी का एग्जाम देना है, जेई का एग्जाम देना है, सीयूईटी का देना है, जो भी देना है, तो आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको उसके न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो आप उसके न्यूमेरिकल्स लगा भी नहीं पाएंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करें, इसके लिए यहाँ पर फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं आज से। तो जितने भी लोग हैं, आप लोग एक दूसरे को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए और सब लोग फिजिक्स की क्लास जिनको पढ़नी है वो आज से स्टार्ट कर दें। तो आज हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस है। आपका 12th क्लास के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, तो आपको 11th तो आपको अच्छे से तैयार होगा ही होगा। नहीं होगा तो जो डाउट होगा आप उसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस कनेक्टेड है, और नहीं होगा तो यहाँ पर क्लियर करा दिया जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि 12th में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए हम आज 12th का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इसका फिजिक्स का आपका सिलेबस क्या है? सिलेबस जो है आपका टू पार्ट्स में डिवाइड है। सिलेबस पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो फर्स्ट पेपर में आपके 5 यूनिट्स आते हैं, जिसका मार्क्स है आपका ओवरऑल 35 मार्क्स। इसी तरह सेकंड पेपर में भी ये भी आपका 35 मार्क्स है, और इसके टोटल टॉपिक्स हैं 4। इसके ये 4 टॉपिक्स हैं और इसके ये 5, तो ये टोटल 9 टॉपिक्स हैं, जो आपको 9 यूनिट्स हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं, ये पूरा कवर कराया जाएगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी इतना टाइम नहीं बचा है, बोर्ड एग्जाम्स बहुत करीब हैं आपके, तो जितना हो सके जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो वो तैयारी शुरू कर दें और आज से अपनी तैयारी के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दें। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपको जब न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे तो आपको बुक की जरूरत पड़ेगी। थ्योरी और इन सब चीजों के लिए आपको बुक उठाने की भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सब कुछ आपको क्लियर करा दूंगी। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं बता दूं, आप होगी बुक मेरे पास, आप ये कुमार मित्तल की बुक ये यूज कर सकते हैं। ये अच्छी बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड है और मोस्ट ट्रस्टेड बुक है, तो आप ये बुक ले सकते हैं। जब भी न्यूमेरिकल पोर्शन कराया जाएगा तो आपको इसी से कराया जाएगा। नेक्स्ट है कि हम इसमें कौन कौन सी यूनिट्स हैं। आज हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, क्योंकि तो आपको स्टार्टिंग फर्स्ट पेपर से कराई जा रही है। तो ओवरऑल 35 मार्क्स ये है, यहाँ पे 35 मार्क्स ये हैं आपके, तो टोटल आपका 70 मार्क्स का ये थ्योरी आएगी, जिसमें आपके थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब कुछ इसमें रहेगा। पेपर में आपको ये करना है। नेक्स्ट उस पे स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट पेपर है, इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको बता दें, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा। आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इंग्लिश के वर्ड्स इसलिए बताए जाएंगे क्योंकि मे भी कभी आपको अगर पेपर में हूबहू स्थिर वैद्युतिकी ना लिख करके, जैसे आपका पहला चैप्टर है
स्थिर वैद्युत की। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक। तो कई बार क्या होता है कि पेपर में आपको जो है स्थिर वैद्युतिकी ना लिख करके इंग्लिश में भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक लिख देता है, इसको ऐसे लिख देंगे इलेक्ट्रो स्टैटिस्टिक। अब आप कहेंगे ये तो हिंदी में लिखा है लेकिन है तो इंग्लिश वर्ड, इसलिए आपको जो है हिंदी भी पता होनी चाहिए उस चीज की और आपको इंग्लिश भी पता होनी चाहिए कि अगर इस तरीके से लिख करके आ जाता है तो आप समझ जाएं कि किसकी बात हो रही है, स्थिर वैद्युतिकी की बात हो रही है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर ये है, सेकेंड आपकी यूनिट आती है धारा विद्युत। धारा विद्युत इसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप ये नाम के साथ साथ इसको भी साइड में इसी तरीके से ब्रैकेट बना के नोट करते जाइएगा ताकि आपको याद रहे कि धारा विद्युत क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक है। ये हो गए आपके दो यूनिट। नेक्स्ट यूनिट है आपका जो थर्ड यूनिट है, ये जो यूनिट्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आपका बेस है, वो बेस आपका क्लियर होगा उससे आगे आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये इंटर कनेक्टेड है। आपका सिलेबस ऐसे यूं ही नहीं उठा के रख दिया गया है, आपस में कनेक्टेड है और इनको पढ़ाने का क्या तरीका है ये भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है। उनको पता ही नहीं कि बस चैप्टर है, हाँ पढ़ाना है पढ़ा दिया, डेरिवेशन करा दी, न्यूमेरिकल करा दी, खत्म हो गया। नहीं, इसकी समझ होनी चाहिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसका क्या यूज है, क्या मतलब है और ये चैप्टर्स क्यों आपको दिए गए हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तथा चुंबकत्व। इसको नोट करते जाइए आप लोग साथ साथ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका थर्ड यूनिट है, इसके अंदर जो है हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है और चुंबकत्व क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे।
और नेक्स्ट है आपका, इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट है आपका, मैं नेक्स्ट टाइप कर रही हूँ, तीन हो गए थे आपके, अब ये फोर्थ है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। इंग्लिश में होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। ये आपकी फोर्थ यूनिट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ये आपका फिफ्थ। तो इस तरीके से टोटल फाइव यूनिट्स हैं जो आपको फर्स्ट पेपर में पढ़नी है। अब हम जानेंगे कि जो है ये आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम पिछली स्लाइड पे चलते हैं फिर से। ये रहा स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी यानी कि कोई आवेश है अगर वो स्थिर है तो वो अगर वो स्थिर है तो उसका नेचर कैसा है, नेचर कैसा है और उससे करंट कैसे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, अब ये सब सोचने वाली बात है। फिर करंट के बाद हम देख रहे हैं कि अब ये धारा विद्युत आ गया। धारा विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट अगर कोई आवेश स्थिर है उसका अध्ययन हम करेंगे स्थिर वैद्युतिकी में। उसके बाद धारा विद्युत यानी कोई आवेश अगर गतिमान है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर कोई आवेश गतिमान होता है तो उसको हम बोलते हैं करंट। दिस इज करंट, यानी कि अब वो करंट बन गया, करंट हो गया तो उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी तो नेक्स्ट उसमें हमने क्या पढ़ा कि विद्युत धारा। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है क्या इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी कोई मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्या कोई मैग्नेटिक पावर भी है? तो हाँ, इसमें मैग्नेटिक पावर भी होती है। तो हम इधर आ गए कि अगले यूनिट में कि इसका क्या मैग्नेटिक इफेक्ट है, क्या चुंबकीय प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव क्या है, उसका चुंबकत्व क्या है। तो हमने ये पढ़ा नेक्स्ट यूनिट में। फिर उससे आगे की यूनिट में अगर हम आएंगे, अब हम देखेंगे कि अगर कोई भी करंट है उससे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी विद्युत धारा है उससे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो क्या वो किसी दूसरे आवेश पर भी कोई प्रभाव डालेगा वो चुंबकत्व? तो बिल्कुल, उसको बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण की घटना बोलते हैं, यानी एक के मैग्नेटिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक फील्ड से दूसरी चीजों पर भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना, इसको बोलते हैं प्रेरण।
इस प्रेरण के द्वारा भी क्या कोई धारा प्रोड्यूस हो सकती है इससे, तो कैसे हम अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करेंगे ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएंगे तो हम देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमने दोनों चीजें समझ ली। तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों चीजें आ गई तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। इस तरीके से आपके ये चैप्टर्स हैं। अब मैं बता देती हूँ किस किस चैप्टर के कितने कितने मार्क्स हैं, आपको उसमें पता चल जाएगा। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतकी, ये आपके इसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आएगा आपके लिए, उन्होंने फिक्स कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आप कोई चैप्टर छोड़ देंगे, या चलो 5 यूनिट है तो 1-2 यूनिट छोड़ दिया बाकी कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको सारी यूनिट्स पढ़नी पड़ेंगी, सबको समझना पड़ेगा और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। जो भी चीज आपको नहीं समझ में आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी आपकी शिकायत को दूर कर दूं। तो नेक्स्ट है आपका धारा विद्युत, इससे आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ कवर करना है, और जो चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको बताई जाएगी ताकि बोर्ड एग्जाम में वो चीजें आप अच्छे से कर सकें। तो नेक्स्ट आपका जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इससे आपको 8 मार्क्स, इससे भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, नेक्स्ट करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, इसमें भी आपको 8 मार्क्स का है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इससे आपको 4 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से जब आप टोटल करेंगे आपका 35 मार्क्स का पूरा फर्स्ट पेपर तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर, सॉरी फर्स्ट आपका फर्स्ट पेपर। नेक्स्ट उस पे चलते हैं, अब आपको बता देते हैं कि आपको सेकंड पेपर में क्या क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड पेपर इसमें भी आपकी 4 यूनिट्स हैं। तो पहली यूनिट क्या है आपकी, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी यानी इसको आपको, इसके अंदर आपको जो भी लाइट से रिलेटेड चैप्टर है इसके अंदर पढ़ाया जाएगा, यानी लाइट। मैं साथ में इसी में आपको बता देती हूँ कि इसमें ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे 13 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे चैप्टर, आप समझ सकते हैं कि इसके मार्क्स देकर के कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका प्रकाशिकी, उसके बाद है द्रव तथा विकिरणों की द्वैध प्रकृति। द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैध प्रकृति, यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। Dual nature of matter and radiation, ये आपका second हो गया, second unit है और इससे आपको 6 marks के question आएंगे। Next चलते हैं अगला है आपका
परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक, इससे आपको 8 नंबर, 8 मार्क्स के क्वेश्चन इससे भी आएंगे। 8 एटम एंड न्यूक्लियस, ये आपका हो गया थर्ड यूनिट। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है आपकी, इसको नोट करते चलिएगा साथ साथ और मार्क्स भी लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि आपको इसको कितना इम्पोर्टेंस देना है। 8 मार्क्स के इससे आएंगे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इससे आपको 8 नंबर के इससे भी आएंगे। ये हो गया। तो इस तरीके से सेकंड पेपर में भी आपकी 4 यूनिट्स हैं। पहली है प्रकाशिकी यानी लाइट, लाइट से जितने भी एक्सपेरिमेंट है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग स्लिट, तो ये आपको लाइट में पढ़ाया जाएगा। फिर आता है आपका द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति यानी डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, कैसे डुअल नेचर होता है पदार्थ का और क्या रेडिएशन होता है, ये आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका परमाणु तथा नाभिक, परमाणु एटम एंड न्यूक्लियस, तो एटम का क्या है और न्यूक्लियस का क्या रिलेशन है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इससे आपको 8 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे, ये भी आपके 8 मार्क्स के हैं। तो ओवरऑल जब आप टोटल करेंगे तो ये भी 35 मार्क्स का हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर दोनों मिला करके आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। तो आज आपको सिलेबस का पूरा इंट्रो दिया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं और इसके अंदर आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्या टॉपिक्स रहेंगे, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं पहली यूनिट स्टार्ट करूंगी फर्स्ट पेपर की तो आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा और जिनके पास बुक ना हो वो बुक ले ले और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार। थैंक यू।